ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਰਿੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6th ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। सब तो पहला असी नगर पालिका के अर्थ को समझते हैं। नगर पालिका का मतलब हैगा कि शहरी स्थानक सरकारां जिहड़ियां कि शहरां दे विकास लई काम करदियां नेगियां। ते नगर पालिका की जिहड़ी शुरुआत आ गई वो भारत दे विच सब तो पहला मद्रास दे विच 1687 ईस्वी दे विच होई सीगी। उस तो बाद कलकत्ता ते मुंबई दे विच नगर पालिका की जिहड़ी शुरुआत आ गई वो 1726 ईस्वी दे विच कीती गई। मतलब कि नगर पालिका की जिहड़ी शुरुआत आ गई वह आज़ादी तो पहला अंग्रेजा टाइम ही हो चुकी सीगी। पर जो भारत आज़ाद होयागा उस तो बाद यह सुझाव पेश किए जाने लगे कि जिस तरह पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक दर्जा हासिल हैगा उस तरह ही नगर पालिका भी संविधानिक दर्जा का जिहड़ा वो मिलना चाहिएगा। तो इस सुझाव को मुख रखते हुए 65वां संविधानिक सोध बिल 1999 ईस्वी दे विच राजीव गांधी की सरकार द्वारा लोक सभा दे विच पेश किया गया। पर इस बिल दे विच ना कुछ कमियां सीगियां जिस करके इनू बहुमत हासिल नहीं होया। मतलब कि इहने एक्ट का रूप धारण नहीं किया। उस तो बाद इस बिल दीयां कमियां नू दूर करके 74वां संविधानिक सोध बिल सीगा जिहड़ा ओह PV नरसिम्हा राव दी सरकार ने संसद दे विच पेश कीता सीगा, जिनू के दिसंबर 1992 ईस्वी दे विच संसद ने पास कीता। मतलब कि लोक सभा ते राज सभा द्वारा इनू 1992 ईस्वी नू मंजूरी दित्ती गई ते 20 अप्रैल 1993 ईस्वी दे विच इनू राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दित्ती। तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने तो बाद यह 74वां संविधानिक सोध जिहड़ा बिल सीगा वह एक्ट बन गया। तो यह 1 जून 1993 ईस्वी दे विच पूरे भारत दे विच लागू किया गया, जिहड़ा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा। तो यह एग्जाम दे विच पुछया जा सकता है कि 74वां संविधानिक सोध जिहड़ा एक्ट सीगा वह पूरे भारत दे विच कदों लागू किया गया। अगे आपां गल करदे आंगे कि 74वीं संविधानिक सोध एक्ट 1992 राही संविधान दे विच किहड़े आर्टिकल जोड़े गए सीगे ते जिहड़े इह आर्टिकल नेगे इह नगर पालिका नाल संबंधित नेगे। तां इस एक्ट दे राही संविधान दे भाग 9A दे विच आर्टिकल 243P तो लैके आर्टिकल 243Z जी नूं जोड़िया गया सीगा, जिहदे विचों तुसीं सिर्फ 2 आर्टिकल याद रखने नेगे। पहला हैगा आर्टिकल 243Q जिहड़ा कि नगर पालिका के गठन नाल संबंधित हैगा। दूसरा हैगा आर्टिकल 243W जिहड़ा कि नगर पालिका दीयां शक्तियां नाल संबंधित हैगा। इस तो इलावा इस एक्ट के राही संविधान के 12वीं अनुसूची जोड़ी गई सीगी जिहदे विच 18 विषय शामिल नेगे ते इह जिहड़े विषय नेगे इह शहरां के विकास नाल संबंधित नेगे। तो हुण असीं इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण जिहड़े बिंदु नेगे वो भी देखते आंगे। तो इस एक्ट के राही भारत दे विच 3 तरह की नगर पालिका की व्यवस्था की गई हैगी। पहला हैगा नगर पंचायत, दूसरी हैगी आ कि नगर पालिका परिषद ते तीसरी हैगी आ नगर निगम। नगर पंचायत का मतलब हैगा कि जिहड़े पिंड कस्बियां दे विच तब्दील हो जाते ने ते जिन्हां दी जिहड़ी जनसंख्या की वह 10,000 तो लैके 20,000 दे विच आ गई, उत्थे स्थानक काम करन दे लई नगर पंचायत की जिहड़ी व्यवस्था की वह कीती जाती हैगी। दूसरी हैगी है नगर पालिका परिषद, इनू म्यूनसीपल काउंसिल भी कहा जाता गा। इहदी जिहड़ी व्यवस्था की वह छोटे शहरां दे विच कीती जाती हैगी जिथे जिहड़ी जनसंख्या की वह 20,000 तो लैके 3 लाख दे विच आ गई। तीसरी हैगी आ नगर निगम। नगर निगम शहरी स्थानक प्रबंध की सब तो शक्तिशाली इकाई हैगी। इहदी जिहड़ी स्थापना हैगी वह वड्डे शहरां दे विच कीती जाती हैगी जिथे जिहड़ी जनसंख्या की वह 3 लाख तो उपर हुंदी हैगी। जिवें कि इस एक्ट के अनुसार नगर पालिका का जिहड़ा कार्यकाल आगा वह 5 साल का निश्चित किया गया गा। तो अगला पॉइंट हैगा कि जेकर नगर पालिका की वह 5 साल तो पहला भंग हो जाती हैगी तो 6 महीने के अंदर जिहड़ियां चोणां नेगियां वह करवाइयां जाणियां जरूरी नेगियां। चौथा पॉइंट हैगा कि नगर पालिका का मैंबर बणन लई जिहड़ी घट्टो घट्ट उम्र आ गई वह 21 साल की होनी जरूरी हैगी। पांचवां पॉइंट हैगा कि इस एक्ट दे विच अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ ते औरतां दे लई 1/3 जिहड़ियां सीटां नेगियां ओह राखवीआं रखीआं गईआं नेगियां। 6वां पॉइंट हैगा कि इस एक्ट के अनुसार नगर पालिका के जोड़े मैंबर ने गे सीधे रूप में चुने जाते हैं, मतलब कि लोगों द्वारा उन्होंने वोटा नहीं चुनिया जाता गा। 7वां पॉइंट हैगा कि इस तो इलावा संसद के मैंबर ते राज विधान मंडल के मैंबर भी नगर पालिका के मैंबर होंदे हन, मतलब कि जिस खेत्र दे विच नगर पालिका आउंदी आगी जे उस खेत्र का कोई बंदा संसद का जां राज विधान मंडल का मैंबर आगा तां ओह नगर पालिका का मैंबर भी मन्निया जावेगा। अगला पॉइंट हैगा कि नगर पालिक खेत्रां दी वंड वार्डां विच कीती जावेगी, मतलब कि नगर पालिका दे चोणां कराउण लई जिहड़े शहर नेगे उन्हां नूं वार्डां दे विच वंड दित्ता जावेगा। ते हुण असीं नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद ते नगर निगम बारे एक एक करके डिस्कस करांगे। सब तो पहलां असीं नगर कौंसल जां नगर पंचायत दी गल करदे आंगे। नगर पंचायत को नगर कौंसल भी कहा जाता गा क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। नगर पंचायत आ ਜਿਹੜੀ ਉਹ शहरी ਸਥਾਨਕ सरकार की ਮੁੱਢਲੀ संस्था की, मतलब कि ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ विकास ਲਈ ਜਿਹੜੀ सरकार ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ है कि ਉਹਨੂੰ नगर पंचायत कहा जाता गा। नगर पंचायत की जी व्यवस्था की वह उन्होंने कस्बे दे विच कीती जाती हैगी जिथे जी जनसंख्या की वह 10,000 तो लैके 20,000 के विच आ गई। तो ये जोड़े मैंबर की गिणती हैगी वह जनसंख्या के आधार उत्ते निश्चित की जाती हैगी। पंजाब के नगर पंचायत के सीधे चुने गए जोड़े मैंबर ने उन्होंने गिणती घट्टो घट्ट 6 रखी गई हैगी, तो वध तो वध ये कितनी हो सकती हैगी यह राज सरकारों की मर्जी पर डिपेंड आगा। इस तो इलावा जिस इलाके दे विच नगर पंचायत की व्यवस्था की जाती हैगी उस इलाके के विधान सभा के मैंबर भी नगर पंचायत के मैंबर होंदे नेगे। हुण असीं नगर पंचायत के कामां वाल निगाह मार देंगे। नगर पंचायत का काम हैगा कि बदलते जां वधदे कस्बियां दे लई योजनावां बनाउणा, अपने खेतर दे विच जन सहायता, सफाई, सड़कां ते पुलां दा निर्माण करना, इस तो इलावा वातावरण नूं साफ सुथरा रखना ते नवे रुख लगाउणे। ते हुण असीं नगर पालिका जां नगर पालिका परिषद की गल कर देंगे। जिवें कि पहला आपां गल कर चुके हैं कि छोटे शहरां विच शहरी स्थानक प्रबंध चलाउण दे लई नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती हैगी, ते इहदी जिहड़ी व्यवस्था की उन्हां शहरां दे विच कीती जाती हैगी जिथे जिहड़ी जनसंख्या की वह 20,000 तो लैके 3 लाख दे विच विच हुंदी हैगी। नगर पालिका परिषद जिहड़े मैंबर नेगे वह सीधे रूप दे विच चुने जाते नेगे, ते इहदे मैंबरां दी जिहड़ी संख्या की वह शहर की जनसंख्या के आधार उत्ते निश्चित की जाती हैगी। पंजाब दे विच नगर पालिका परिषद के मैंबर की जिहड़ी गिणती हैगी वह 9 तो लैके 29 तक आ गई। इस तो इलावा शहर के जिहड़े चोण खेत्र विच चुने हुए संसद के मैंबर ते राज विधान मंडल के मैंबर हुंदे नेगे वह भी नगर पालिका परिषद के मैंबर हुंदे नेगे। नगर पालिका परिषद के मैंबर नूं कौंसलर कहा जाता गा जिहड़ा कि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा, तो यह एग्जाम दे विच पुछया जा सकता गा कि नगर पालिका परिषद के मैंबरां नूं किस नाम नाल बुलाया जाता गा। इस तो इलावा हरेक नगर पालिका का अपना एक प्रधान ते उप प्रधान होंदा गा। नगर पालिका परिषद के काम नेगे कि शहर दे विच जिहड़े सेहत केंद्र ने उन्हां दा निर्माण करवाउणा ते शहर दे विच साफ सफाई का प्रबंध करना, सड़कां ते पुलां की देखभाल करनी, पार्कां ते अजायब घरां की देखभाल करनी, इस तो इलावा नाजायज़ कब्जे ते पुराणियां इमारतां नूं हटाउणा। हुण आपां नगर निगम की गल कर देंगे। नगर निगम आ जिहड़ी वह शहरी स्थानक प्रबंध की सब तो ज़्यादा शक्तिशाली ते शिखर की संस्था गी। इहदी जिहड़ी स्थापना की वह वड्डे शहरां दे विच कीती जाती हैगी जिथे जिहड़ी जनसंख्या की वह 3 लाख तो उपर हुंदी हैगी। नगर निगम के कानून ने जिहड़े वह राज सरकार द्वारा बनाए जाते नेगे, ते इहदे जिहड़े मैंबर नेगे वह भी राज सरकार द्वारा निश्चित कीते जाते ने। नगर निगम के मैंबरों की चोण संबंधी जिहड़े वड्डे शहर नेगे उन्होंने वार्डां च वंड दिता जाता गा, तो फिर उन्हां वार्डां के हिसाब के नाल जिहड़े मैंबरां की गिणती हैगी वह निश्चित की जाती हैगी। एक वार्ड के विच घट्टो घट्ट 10 मैंबर चोणां च हिस्सा लैंदे नेगे, जिन्हां च 3 मैंबर ने जिहड़े वह नामजद किए जाते नेगे। जिस तरह नगर पालिका परिषद जिहड़े मैंबर ने कि उन्हां नूं काउंसलर कहा जाता गा, उस तरह नगर निगम के मैंबरां नूं भी काउंसलर कहा जाता गा। इस तो इलावा शहर के चोण खेतर दे विच चुने हुए संसद के मैंबर ते राज विधान मंडल के मैंबर भी नगर निगम के मैंबर हुंदे नेगे। नगर निगम के प्रधान नूं मेयर कहा जाता गा, जिहड़ा कि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा। तो मेयर की जिहड़ी चोण आ गई वह नगर निगम के मैंबर ने जिहड़े वह अपने विचों ही करते नेगे। नगर निगम का जिहड़ा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैगा उहनूं कमिश्नर कहा जाता गा। तो यह प्रशासनिक सेवावां दे विचों तजर्बे के आधार उत्ते चुनिया जाता गा, मतलब कि सिविल सर्विस चों जिन्हों तजर्बा ज़्यादा हासिल हुंदा गा उहनूं कमिश्नर के तौर पर चुन लिया जाता गा। तो कमिश्नर नूं मेयर की सिफारिश उत्ते 5 साल लई नियुक्त किया जाता गा। कमिश्नर तो इलावा प्रबंधकी कामां नूं करन लई सेहत सिक्ख्या अफसर, कार अफसर, लेखा अफसर ते जिहड़े सकत्तर ने ओह हुंदे नेगे। हुण असीं नगर निगम दे कामां दी गल करदे आंगे। नगर निगम ही वो सारे काम करदी हैगी जिहड़े कि नगर पालिका परिषद द्वारा कीते जांदे नेगे। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो पंजाब दे विच नगर पंचायतां दी जिहड़ी संख्या हैगी वह 56 हैगी ते नगर पालिका परिषद दी जिहड़ी संख्या हैगी वह 97 हैगी। इस तो इलावा पंजाब दे विच नगर पालिका परिषद नूं ना 3 क्लासां दे विच वंडिया गया गा। पहली क्लास दे विच नगर पालिका परिषद जिहड़ी गिणती हैगी वह 26 हैगी, दूसरी दे विच जिहड़ी गिणती है वह 45 हैगी ते तीसरी दे विच जिहड़ी गिणती है वह 26 हैगी। तो यह जो डेटा गा यह पंजाब गौरमेंट की ऑफिशियल साइट तो लिया गया गा, जोड़ा कि तुसी इंटरनेट पर जाके चैक कर सकते होगे। तो यह जो डेटा गा वह बिल्कुल लेटैसट अपडेटेड डेटा गा। पहला पंजाब के नगर निगम की जी संख्या सी वह 10 सी, तो बाद इन्होंने जी गिणती हैगी वह 13 हो गई। पंजाब के किहड़े-किहड़े शहरों के नगर निगम की व्यवस्था की गई हैगी आप उन्होंने शहरों के नाम देखते हैंगे। जिमें कि सब तो पहला अमृतसर आ गया, पठानकोट, जलंधर, फगवाड़ा, हुशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, SAS नगर, मोहाली, बठिंडा ते मोगा। इन्हां शहरां दे विच पहला नगर निगम की व्यवस्था की गई सीगी ते बाद दे विच 3 शहरां दे विच नगर निगम की जिहड़ी व्यवस्था सीगी ओह कीती गई, जिमें कि अबोहर हो गया, बटाला ते कपूरथला। यह सीगा अपना अज दा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नगर पालिका की व्यवस्था। तुहानूं ये वीडियो किद्दां लगी प्लीज़ लाइक, शेयर ते कमेंट करके जरूर दस्सिओ। जे तुसीं हाले तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां प्लीज़ सबसक्राइब कर लिओ। वीडियो देखण दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।